नोटबंदी के फैसले के बाद देश भर से लगातार आम जनता की परेशानियों की खबरें आ रही हैं, लेकिन वे भी कम परेशान नहीं हैं जो इस आम जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े नोट बंद होने से उपजी परेशानियों के मद्देनज़र मणिपुर में अखबारों ने प्रकाशन न करने का फैसला लिया है। मणिपुर की न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन और समाचार पत्रों के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने आपसी सहमति से 18 नवंबर से अखबार न छापने का फैसला लिया। दरअसल 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से समाचार पत्रों के प्रकाशन और वितरण को लेकर प्रेस बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इम्फाल में समाचार पत्र के एसोसिएशन की संयुक्त बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है और इसकी सूचना एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी करके दी है। प्रेस रिलीज में शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन की बात भी की गई है और राज्य के सभी मीडिया कर्मियों, स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूटर और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की गई है। भारत के एक राज्य में सरकार के फैसले से उपजी कठिनाइयों के कारण अखबार बंद होते हैं तो यह मीडिया की आज़ादी और उसके भविष्य के लिए चिंताजनक है। यह स्थिति तब है जब इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस की आज़ादी का पुरजोर समर्थन किया और पत्रकारों के लिए अपनी चिंता प्रकट की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रेस की आज़ादी का समर्थन किया और कहा कि प्रेस पर बाहरी नियंत्रण समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह बेरोक टोक लेखन के खिलाफ मीडिया को चेतावनी देते भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन सीमा का होना भी जरूरी है, बिल्कुल उस माँ की तरह जो अपने बच्चे को ज्यादा खाने से रोकती है। स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उस प्रिंसिपल को पकड़ना, लेकिन साथ साथ अनियंत्रित अवस्था, हम कितने ही तंदुरुस्त क्यों न हो, फिर भी माँ कहती है, कह रहे भाई थोड़ा कम खाओ या ये मत खाओ। कोई माँ दुश्मन नहीं है, लेकिन वो माँ घर में है इसलिए कह रही हो। बाहर वाला कहेगा तो तुम कौन होते है मेरी तबीयत की चिंता करने वाले, मैं हूं। और इसलिए ये व्यवस्था ऐसी है कि जो परिवार में ही संभलनी चाहिए, सरकारों ने तो जरा भी उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने मीडिया में समय के साथ उपयुक्त बदलाव कर स्वनियमन की सलाह भी दी और पत्रकारों की हाल में हुई हत्याओं पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है और सच्चाई को दबाने का सबसे खतरनाक तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी टिप्पणी बिहार में दो पत्रकारों की हत्या के मद्देनजर आई है। मीडिया द्वारा स्वनियमन चाहे जाने पर अपनी बात के समर्थन में मोदी जी ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बेलगाम लेखन भारी समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री मीडिया को सराह रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके कार्यकाल में लिए फैसले के कारण अखबार को बंद होना पड़े तो इस पर भी उन्हें सोचना होगा। हाशिए के लोगों की आवाज़ को मुखरता देना, वंचितों शोषितों के हक की बात करना, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाना प्रेस का मुख्य दायित्व तो है, लेकिन कुछ लोगों की यह दबी ख्वाहिश अब बाहर आ रही है कि उनके खिलाफ कोई कुछ ना बोले और मीडिया उनकी जी हुजूरी करता रहे। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तालिबे शोहरत हैं कैसे भी मिले मिलती रहें, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।